बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि शाम हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नमाज मैंने पढ़ ली है, असर की नमाज पढ़ ली है, तो आज कुछ करारा सा बना, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ करारा बना के खाते हैं, चटपटा सा। और इसी के साथ अब मैं काम की तरफ शुरू होती हूँ। तो आज जिस तरह सब बहन भाइयों को पता चल ही गया होगा भाई की वीडियो में कि मैंने अम्मी के घर से मंगवाई थी आज लस्सी की एक बोतल, तो अब बनाना शुरू करती हूँ मैं कड़ी पकौड़ा। लेकिन टाइम तो काफ़ी लगेगा, लेकिन काफ़ी खाने को दिल कर रहा था इसलिए मैंने मंगवाई थी। तो अब मैं ये बनाना शुरू करती हूँ। ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर रखी है देसकी। अब देसकी मैं डालती हूँ पहले लहसुन की कलियाँ, ये नरम हो जाए। पानी में उबाल लूँगी, एक टूटा हुआ लहसुन बच्चे मेरे खाते नहीं है, कहते मामा स्मेल आती है। पहले लहसुन उबाल लूँगी और इसका बनाऊंगी पेस्ट, तो फिर बाद में घी वगैरह डालूंगी। तो आज बनानी है कड़ी, ये सामान सारा मैंने अपने पास ला के रख लिया है। और ये प्याज भी काट लिया है, ये टमाटर मिर्ची अभी रहती हैं ये भी काट लेती हूँ। जी हाँ जी, पीछे हो जाओ जरा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे अपना ना काम करने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने शोर नहीं करना, ठीक है ना। ये अपने बच्चों को मैं मना कर लेती हूँ शोर करने से, कभी ये भी अभी बच्चे हैं, जितना ही मना करूँ नहीं होते, लेकिन बाहर से आवाज़ें ज़्यादा शोर की आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये सामान गर्मी में ये खाना पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो फिर भी इंसान भूखा तो रह नहीं सकता, इसलिए खाना पकाना तो पड़ेगा। लेकिन इधर तंदूर वगैरह भी है, तंदूर की रोटियां मिल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं। मेरा पीछे 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 मुझे काम करने दो। ये अंदर से मुझे कपड़ा पकड़ा हो गया, अंदर से ये कपड़ा पकड़ा दो। अच्छा बच्चा नहीं, ये डाल हुआ है मैंने डब्बे में बेसन, और ये साबुत धनिया, और जो सबसे खास चीज़ है वो है लस्सी की बोतल। ये आई है अम्मी के घर से और भाई लेके आए थे, और ये है साबुत मसाला। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि ये मामा ये चाय वाला जो है तो जिसमें चाय डाल के पीते ना वो मगा लेके आओ। ये बोतल इतनी ज्यादा भरी हुई है, लस्सी बाहर नहीं कर रही है। ये एक मगा मैं इस तरह लस्सी का ले लूंगी। ये ठंडा मिलना, ये लस्सी बोतल में बंद थी तो नीचे गिर गई है, पता नहीं कितना गैस इसके अंदर भी बंद कर। हाँ जी, और साथ में ये मैं बिटिया भी है काम कर रही। बिस्मिल्लाह, और अब ये एक मगा मैं लूंगी बेसन का, ये एक मगा मैंने बेसन का ले लिया है। अब इस देसकी में डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और ले लिया जो मगे एक में कम था। अब जो बेसन चार पे रख देती हूँ और इसमें डालती हूँ ये लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप किसी चम्मच के साथ मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मुझे अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ वगैरह लस्सी में ना बन जाए, अच्छी तरह से मिक्स।
ये अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह देर देर इस तरह जब मैं चलाई जाऊंगी कि बेसन अच्छी तरह लस्सी में मिक्स हो जाए। आज भी कुछ बना के दूंगी आपको खाने के लिए। आपने क्या खाना है? थोड़ा सा पानी अब इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है। अब ये अच्छी तरह लस्सी और बेसन मिक्स हो गया है और इसे कर देती हूँ आपको साइड पे। तो अब करती हूँ ये लहसुन मेरा नरम हो गया। तो अब इसमें डालती हूँ घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डाल दिया अपना हीरे को। अच्छी तरह घी को गर्म करूंगी। बाल्टी बंद करके एक साइड पे रख देते हैं। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। घी अच्छी तरह गर्म हो गया। इसमें डालती हूँ आपने मैं काटा हुआ प्याज। प्याज भी मैंने डाल दिया। अब प्याजों को गोल्डन ब्राउन करूँगी थोड़ा सा। इनका कलर मैं करूँगी। और साथ में डालती हूँ एक टमाटर काटा हुआ और चार सब्जी मिर्च। ये टमाटर में भी मैंने डाली है। टमाटर मिर्च को अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। तो प्याजों को और टमाटर मिर्च को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो अब मैं डालती हूँ मसाले। एक टी स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, आधा टीस्पून और एक टीस्पून गरम मिर्च। अब मसाले को कर देती हूँ मैं भी। डालूंगी थोड़ा सा पानी। हम खानों को भी अच्छी तरह भून लूंगी। कड़ी होती है लस्सी की खट्टी, तो फिर उसमें से जो घी वगैरह थोड़ा सा पानी डालती हूँ कि अच्छी तरह ये पक जाएगा। और साथ में डालती हूँ ये कढ़ी उबलनी शुरू हो गई। अब इसमें मैं डालती हूँ मसाले। ये साबुत धनिया है, ये भी डालती हूँ हाथों के साथ। इस तरह ये है धनिया पाउडर, ये बाद में डालूंगी। और ये है बाजारी मेथी, कसूरी मेथी, ये बाजार से ली हुई है। तो ये भी डाल देती हूँ।
दी है मेथी मैंने घर की। ये हाथों पे इस तरह लगा जो कड़ी बननी शुरू हो गई यानी कि पकनी शुरू हो गई है। तो साथ में ये पकौड़ों का सामान भी तैयार मैंने कुछ कर लिया जो घर में है। ये है प्याज और आलू, ये भी इस बॉल में डाल लेती हूँ। और साथ में ये बेसन भी, ये बेसन भी मैंने डाल लिया है। तो बाकी मसाले बाद में डालती हूँ क्योंकि मोबाइल गर्म हो गया या क्या वजह है, ये वीडियो नहीं अब बन रही इस पर। तो ये पहले बंद करती हूँ तो बाद में मसाले डाल के फिर दिखाती हूँ। ये मसाले भी मैंने डाल लिए हैं, मसाले डाले हैं मैंने सफ़ेद ज़ीरा, धनिया साबुत, धनिया का पाउडर और थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक, ये मसाले डाले हैं। और कसूरी मेथी डाली है बाज़ार वाली भी, जो बाज़ार से जे लेके आए हैं, और जो घर में सकाई हुई है वो भी डाली है। अब मैं इनको कर लेती हूँ सारी चीज़ों को मिक्स और इसका बना लेती हूँ पेस्ट। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब पहले गूंथती हूँ आटा, पकौड़े बनाती हूँ। ये आटा ही मैंने गूंथ लिया है, अब बनाने शुरू करती हूँ पकौड़े। कड़ी अभी पक रही है, थोड़ी सी कसरा भी बाकी है, अभी गाढ़ी नहीं हुई, थोड़ी सी नरम है, अब गाढ़ी होने तक इसे पकाते हैं। और साथ में अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पकौड़े। कड़ी हमारी तैयार हो गई है, अब बनाने में शुरू करती हूँ पकौड़े। ये पेस्ट रखा हुआ है, आटा भी गूंथ लिया है, नमाज भी पढ़ ली है मगरब की, अब बनाने शुरू करती हूँ। ये काफ़ी लेट हो गई गर्मी की वजह से। ये कढ़ाई में घी मैंने डाल लिया है, अब घी को पहले अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। ये चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया है, अब घी गर्म होने तक इसे छोड़ती हूँ। घी अच्छी तरह गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये जो पकौड़ों का पेस्ट है ये डालती हूँ। उधर जाके पी लें, मैं काम कर रही हूँ ना बेटा, कूलर से पी लें। ये एक पूर मैंने डाल दिया, अब इसे तैयार करके फिर दिखाती हूँ। ये एक पूर मैंने निकाल लिया है, अब दूसरा डाला हुआ है। तो ये पहले अब मैमा बिटिया को देती हूँ और बाद में कुछ और करूँगी, वो मेरे पास बैठी है। ये पकौड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, अब डालती हूँ इसे कड़ी में, कड़ी भी तैयार हो गई है। ये मसाला ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया, और अब डालती हूँ ये जो मसाले में से ये घी निकाल के रखा हुआ है ऊपर, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा इस तरह हो जाता है और ये अच्छा लगता है फिर सालन। और अब मैं डालती हूँ इसमें पकौड़े, अब इसमें मैं डालती हूँ पकौड़े, ये बड़े गर्म है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काफ़ी मज़ेदार और प्यारी और अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ी तैयार करने के लिए। अब ये पकौड़े मैंने डाल दिए, अब ये गर्मा गर्म, अब बाद में बनाते हैं हम रोटियां तो फिर खाते हैं। और बच्चे मेरे समीर बेटे को भूख लगी है, ये मेरे पास खड़ा है, शाम हो गई है, और अमेमा बिटिया भी इधर बैठी है। हाँ मैं इनको रोटी बना के देती हूँ। ये कड़ी पकौड़ा बड़ा मज़ेदार तैयार हुआ है और खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है।
तो वीडियो का करती हूँ मैं यही पे एंड। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।